दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले जस वर्सेस यू डबल सी बी के बीच होने वाले आज के पहले ईसीएस टी10 मैच के बारे में एक एक प्लेयर का पूरा पूरा एनालिसिस, कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आएगा, कौन कितना और बॉलिंग करके देने वाला है, इस मैच का आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, दो से तीन रिस्की प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस मैच में जीएल विन कराने में मदद कर पाएंगे, स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, कौन सी टीम में जीत सकती है, सभी चीजों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस आपको एक ही चीज का ध्यान देना है, ये जब आपको वीडियो में एक टीम बना के दूंगा, ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम होगी। मान लो वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइनअप आने का मुझे कोई चेंज करना होगा, तो उसके बाद जो भी फाइनल टीम होगी वो मैं इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे ऊपर पिन किया हुआ मिल जाएगा। इस ब्लू लिंक को आप क्लिक करके अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को फ्री में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे आगे आने वाले मैचेस की फाइनल टीम आपको फ्री में भेज दूंगा आखिर के 5 मिनट में। सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा, ये जो मैच है ना, मुझे लगता है जस की टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा है, तो हम जस की टीम के प्लेयर्स को ज्यादा फोकस करने वाले। 4 में से 2 मैचेस जीत करके आ रही, 2 मैचेस अपने हार करके आ रही है। वहीं यूसीसीबी की टीम यानी कि यूनी की टीम ने इस सीजन में 4 मैचेस के लिए सिर्फ एक ही मैच अपना जीत करके आ रही है, बाकी बच्चे तीनों हार करके आ रही है। मैं आपको ये कहूंगा जस के प्लेयर्स को हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इस मैच के पिच रिपोर्ट के बारे में, जो मैच होने वाला है आपको करतामा के ओवल के स्टेडियम के ऊपर देखने को मिलने वाला है, जहां पर जो आखिरी के 5 मैचेस में आपको 95 रन के करीब का एवरेज स्कोर है, यानी कि जीतने वाली टीम यहां पे आपको 90 के करीब का स्कोर बना करके देगी, वही हारने वाली टीम यहां पे आपको 70 से लेकर के 80 के बीच आपको आराम से स्कोर बना करके दे पाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं एक एक प्लेयर के एनालिसिस पे, तो सबसे पहले देखो ए यूनी कृष्णन, जो कि बल्लेबाजी में भी ऐसा ओपनर आ रहा है और इस समय यू डबल सी बी की टीम ओर से ऐसा विकेट कीपर भी खेल रहा है, तो विकेट कीपिंग से आपको कैचेस पकड़ के दे सकते हैं। इसी को लेकर के चलने वाला रोहित कुमार बिल्कुल भी खेल नहीं पा रहा है, सैम हाउसन का बल्लेबाजी क्रम काफी नीचे है, आखिरी मैच जहां पे इसने अच्छे रन बना करके दिया, अगर आप इस मैच को निकाल दो, यहां पर भी इसने एक भी रन नहीं बनाया, यहां पर भी इसने एक भी रन नहीं बनाया, यहां पर भी माइनस में 1 पॉइंट दिलाया हुआ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एज अ विकेट कीपर इसको कैचेस मिल रहे हैं, कैच मिल रहा है, रन आउट मिल रहा है, स्टंपिंग करने का मौका मिल रहा है, बाकी कोई रन नहीं बना पा रहा है क्योंकि इसका बल्लेबाजी क्रम काफी नीचे है, 7 नंबर पे इतने नीचे कि बल्लेबाज को T10 के मैच में मौका ना के बराबर ही मिलेगा, और मौका अगर मिलेगा भी तो जरूरी नहीं है कि आपको परफॉर्मेंस करके दे ही दे। अब वहीं अगर मैं बात करूं अपने बल्लेबाजी ऑप्शन, आपके लिए सबसे नंबर 1 चॉइस रहेगा अब्दुल आसिफ, जो कि आपको यू डबल सी बी की टीम ओर से कप्तानी कर रहा है, बल्लेबाजी में भी 4 पे आएगा और बॉलिंग से भी आपको 2 ओवर पूरा करके देने वाला है, यानी कि अगर आप जीएल की टीम बना रहे हो, प्लेयर काफी अच्छा बड़े लेवल का प्लेयर है, अगर आप जीएल में टीम बना रहे हो, रोटेशन करना चाह रहे हो, तो अब्दुल जिस तरीके से फॉर्म में आया है, अब मुझे लगता है कि आप कभी भी आपको एक लंबी लंबी पारियां खेल करके दे सकता है। आखिरी मैचेस सिर्फ एक ही और बॉलिंग किया हुआ है, जहां पर इसको एक विकेट भी मिल गया, उससे पहले के मैचेस में सारे मैचेस में इसको एक एक विकेट मिला हुआ है, 2-2 ओवर बॉलिंग करके बल्लेबाजी से हर मैच फ्लॉप हुआ है, लेकिन प्लेयर अच्छा है, बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज में काफी स्पेशलिस्ट है, आपको लेकर के जरूर चलना है। और रनिंग ऑप्शन है जे यहां से दानिकुला, जो कि बल्लेबाजी में भी ऐसा ओपनर आ रहा है, अब बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा कर रहा है, पहले इसका नाम बॉलर्स में आ रहा था लेकिन अब इसका नाम ऑलराउंडर्स में आ रहा है, रीजन यही है कि बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज में काफी अच्छा करके दे रहा है। डब्लू कमल, पहले इसका भी नाम बॉलर्स में आ रहा था, अब इसका भी नाम ऑलराउंडर्स में आ रहा है, लेकिन इसका बल्लेबाजी क्रम काफी नीचे, 5वें नंबर पर आएगा, तो ज्यादातर मौके पर इसका बल्लेबाजी आएगा नहीं, और आएगा भी तो फ्लॉप ही जाएगा, यहां पर भी फ्लॉप गया, यहां पर भी बल्लेबाजी से फ्लॉप गया हुआ, यहां पर भी बल्लेबाजी से फ्लॉप गया, सिर्फ पहला मैच खेला था जहां पर इसने रन बनाया, क्योंकि मेनली जो है ना ये बॉलर है, डब्लू कमल मेनली जो है बॉलर है, और बॉलिंग से ही आपको ज्यादा अच्छा करके देने के चांसेस रहेंगे, आपको 2 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा, बल्लेबाजी में भी 5वें नंबर पे आ जाएगा। एस वर्सेस की बात करो, पहले इसका भी नाम बॉलर्स में आ रहा था, अब इसका भी नाम ऑलराउंडर्स में आ रहा है, लेकिन इसका बल्लेबाजी क्रम काफी नीचे, बल्लेबाजी से आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करना, सिर्फ एक ही मैच रन बना करके दिया हुआ है, बल्लेबाजी में 8वें नंबर पर आएगा, यानी कि बल्लेबाजी से तो आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि रन आपको बना करके दे पाएगा ज्यादा, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे तो हो सकता है कि इसकी वजह से आए ही ना, हो सकता है कि शुरू की बल्लेबाज अच्छा खासा खेल जाए, या फिर हो सकता है कि आए भी तो वहां पे बिल्कुल रन बना करके ना दे पाए, तो मेनली जो है बॉलर है, 2 ओवर बॉलिंग से पूरा करके देने वाला है। एच यहां से सती देवी, जो कि आपको बल्लेबाजी में 3रे पे आएगा, बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा करेगा, ये आपके लिए एक जरूरी प्लेयर है, ये आपके लिए एक शानदार प्लेयर है, इसको आपको लेकर के जरूर चलना है। अब इसके अलावा राजेश कुमार जूनियर प्लेयर, ये भी अच्छा है, रिकॉर्ड इसका भी काफी अच्छा है,
मौका इसको भी पूरा मिल रहा है। बल्लेबाजी में पांचवें नंबर करीब आ रहा है, कई बार सिक्स पे भी आ रहा है और बॉलिंग से भी दो ओवर पूरा कर रहा है, लेकिन मौका मिलने के बाद भी ये कभी भी परफॉर्मेंस करके अभी तक दिया नहीं है। अगर आप जीएल की टीम बना रहे हो जहाँ पे आप लाखों लोगों के बीच में खेल रहे हो, जहाँ पे आप मान लो 3-4 लाख या फिर 3-4 करोड़ों लोगों के बीच में खेल रहे हो, आप वहाँ पर राजेश कुमार जूनियर प्लेयर के ऊपर रिस्क लेकर के चल सकते हो, कभी भी आपको अच्छा खासा पैसा कमाने में मदद करके दे सकता है। आगे बात करेंगे अपने बचे हुए प्लेयर्स को, उससे पहले देखो ये एक हमारे एनालिसिस बेस्ड की टीम है। मान लो वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइनअप आने का, जो कि मैं हमेशा ही चेंज करता हूँ लाइनअप आने का, जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे ऊपर पिन किया हुआ मिल जाएगा, जहाँ पर ज्वाइन होना आपके लिए ज़रूरी भी, आसान भी और एकदम फ्री भी रहने वाला है। आगे आने वाले मैचेस को मैं यहीं पर कवर करूँगा, जैसे PSL मैच हो गया, उसके अलावा आप देखोगे वुमेंस का IPL मैच हो गया, उसके मैं आपको एक और चीज कहूंगा, जब भी आपको देखने को मिलेगी कुबेरा का मैं डीओ पिक नहीं दे रहा हूं, तो समझ जाऊं कि मैं थोड़ा सा ऑफलाइन हूं, और जब भी मैं कुबेरा का डीओ पिक आखिरी के 10 मिनट में दे दूं तो समझ जाना कि मैं ऑनलाइन हूं, और आपको टीम आराम से हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी 99.9% मैं आपको टीम 100% देता ही देता हूं अगर मैं पैसे लगा रहा होता हूं। और वहीं अगर मैं बात करूं अपने बॉलिंग ऑप्शन, देखो एम कोहली हर मैच में मैं इसकी तारीफ कर रहा था, देखो एक मैच में फ्लॉप हुआ, दो में, तीन में, आखिरी मैच आखिर अपने फॉर्म में वापस आया, दो ओवर बॉलिंग पूरा किया, जहाँ इसको दो विकेट भी मिल गए, अब बॉलिंग से काफ़ी अच्छा खासा इसको विकेट मिल जाते हैं, तो प्लेयर काफ़ी अच्छा है, अच्छे खासे इसको विकेट मिल जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ से देखो सुशांत राणा प्लेयर ये भी अच्छा है, हर मैच इसको एक ही विकेट मिल रहा है, यहाँ पे वो भी नहीं मिला, यहाँ पे इसको एक मिला, यहाँ पे एक मिला, यहाँ पे वो भी नहीं मिला, इससे पहले वाले मैच में भी फ्लॉप हुआ है, लेकिन हाँ दो ओवर बॉलिंग से पूरा करके दे रहा है, और कहीं ना कहीं सोकोल की टीम के जीतने के भी चांसेस ज़्यादा है। अमन माहेश्वरी की बात करो, इसका नाम ऑलराउंडर्स में आ रहा था, अब इसका नाम बॉलर्स में आ रहा है, लेकिन मेनली जो है ना ये ऑलराउंडर है, जो कि बल्लेबाजी में भी फोर पाएगा, बॉलिंग से भी दो ओवर पूरा करके देने के पूरे पूरे चांसेस है, कई बार एक ओवर भी बॉलिंग करेगा, लेकिन इसको आपको लेकर के ज़रूर चलना है, क्योंकि माहेश्वरी का नाम कई बार आपको बल्लेबाजों में, कई बार इसका नाम ऑलराउंडर्स में आता है, प्लेयर बड़े लेवल का है, कभी भी आपको 100-200 पॉइंट्स दिला करके जा सकता है, भले ही इस समय फॉर्म में ना हो। आफ्ताब का यानी का भी सेम वही है, प्लेयर का रिकॉर्ड काफ़ी बड़े लेवल का है, लेकिन यहाँ पे इसको मौका ही नहीं मिल रहा है, जब भी मौका मिलेगा आपको परफॉर्मेंस करके ज़रूर दे सकता है, आखिरी मैच इसको मौका भी मिला हुआ है, और वहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस भी करके दिया हुआ है, दो ओवर बॉलिंग करके इसको एक विकेट भी मिला हुआ है, इसके अलावा कोई भी इतना अच्छा प्लेयर है नहीं। आसान मुगम को कई बार एक ओवर बॉलिंग मिल रहा है, कई बार वो भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एक भी नहीं मिला, यहाँ पे इसको एक ओवर बॉलिंग मिला, जहाँ पे इसको दो विकेट मिल गए, यहाँ पे भी इसको एक ओवर बॉलिंग मिला, फ्लॉप गया हुआ है, तो प्लेयर ये भी अच्छा, आप इसको लेकर के ज़रूर चल सकते हो। बाकी मैं अब यहाँ से राणा को ही लेकर के चलने वाला हूँ, एस राणा हर मैच दो ओवर बॉलिंग क्योंकि पूरा करके दे रहा है। अब इसके अलावा बल्लेबाजी ऑप्शन देखो, एस मंजूर हो गया और रमेश सतीशन हो गया, ये दोनों प्लेयर आपके लिए एक अच्छे प्लेयर आएंगे, दोनों अपनी अपनी टीम के लिए एज अ ओपनर आएंगे, और दोनों प्लेयर ऐसे जो कि लंबी पारियाँ खेल करके दे नहीं पा रहे, आर सतीशन प्लेयर बहुत 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 बड़े लेवल का है, लेकिन इस सीजन में लाइन से फ्लॉप हो रहा है, एक नहीं दो नहीं तीन मैचेस में फ्लॉप हुआ इस सीजन में, प्लेयर बहुत ज्यादा बड़े लेवल का, कभी भी अगर चल गया ना तो सीधे आपको 100 रन या फिर 70 रन ऐसे बना करके देगा, ये चीज को आपको ध्यान देकर के पूरी तरीके से चलना है। एस मंजूर कोई इतना भी अच्छा प्लेयर नहीं है, लेकिन ऐसा ओपनर खेल रहा है, हर मैच आपको रन बना करके दे रहा है, और जस की टीम को जीतने के भी चांसेस ज्यादा है, आप लेकर के चल लेना। कैब इसी में मैं सबसे पहले आपको कहूंगा ना कि कैब तो आपको यहाँ से लेकर के चला है, यहाँ से जे दानी कुलाक हो, क्योंकि बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज़ें पूरा परफॉर्मेंस करके दे रहा है। VC के लिए आपके लिए दो अच्छे प्लेयर रहेंगे, पहला नाम है यहाँ से W कमल और दूसरा नाम है यहाँ से अब्दुल आसिफ और तीसरा नाम है H सती देवी, ये तीनों वो प्लेयर्स जो कि आपके लिए ऐसा VC एक अच्छे प्लेयर रहेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तीनों प्लेयर्स आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। और आगे बात करेंगे अपने VC के बारे में, उससे पहले देखो आखिर के 2 सालों से मैं अपने पूरे पैसे जो है ना लेवल चैलेंजेस आपको पर स्पोर्ट्स ही आपको पर कुबेरा ऐप के ऊपर लगा रहा हूं, ये तीनों जो फैंटेसी ऐप है, यहां पे आपको फैंटेसी के जितने भी ऐप है आपको सबसे ज्यादा लो एड्री फीस वाले एवं चैलेंजेस स्पोर्ट्स और कुबेरा ऐप के ऊपर ही देखने को मिलेगा। यहां पर आप मेरे कहने पर एक बार अपने 1000 रुपये लगाओ, बिना हारी आपके 100 रुपये बचा लोगे, 10,000 रुपये लगाओगे बिना हारी आपके 1000 रुपये बचा लोगे। अब आप खुद ही सोचो इतने पैसे बचेंगे, महीने में आप हजारों लाखों रुपये आराम से बचा पाओगे,
सिर्फ और सिर्फ खेल करके। मैं जीतने और हारने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ खेलने से आपके इतने पैसे बचेंगे। तो आप मेरे कहने पर एक बार लेवल चैलेंजेस ऐप को पढ़े या फिर स्पोर्ट्सी ऐप को पढ़े या फिर कुबेरा ऐप को पढ़े, तीनों में से किसी भी ऐप को एक बार अपने पैसे लगाओ, आपका सारा फैंटेसी का लॉस कवर हो जाएगा। तीनों एप्लीकेशन का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को मिल जाएगा, जो अभी के वहाँ से डाउनलोड करके आप मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हो। वीसी मैं अभी लेकर के चल रहा हूँ, जिसका नाम है यहाँ से डब्लू कमल को। बाकी मेरा मन ये है कि मैं अब्दुल आसिफ को लेकर के चलूँ, क्योंकि मुझे ये काफ़ी पसंद भी है और आखिरी मैच से फॉर्म में भी वापस से आ गया है। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। और उसके अलावा ये हमारे एनालिसिस बेस की टीम है, मान लो वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइनअप आने का जो भी चेंज होगा, उसके बाद मैं अपनी फाइनल टीम आपको इसी तरीके से अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में भेज दूंगा, जहाँ पे 60,000 करीब सब्सक्राइबर यानी कि लोग पहले से फ्री में ज्वाइन है। आप भी ज्वाइन हो जाना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे ऊपर पिन किया हुआ मिल जाए।